नहीं, हम लोगों की बैठक का उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनके सुझाव, उनके रिकमेंडेशंस हमको मिलें और उन्हीं के अनुरूप हम अपनी एक प्लानिंग तय करें जिसमें एकजुट होकर के काम करने का एक तरीका, एक प्लान, एक स्ट्रेटजी निकले। और मुझे खुशी है आपसे शेयर करते हुए कि उन सभी एक्सपर्ट्स की राय एक ही थी कि बजाय एक एरिया से जाकर के रेस्क्यू वर्क करने के, हमें कई सारे ऑप्शंस को एक साथ एक्सप्लोर करना चाहिए। तो बरकोट की तरफ से भी, सिल्कियारा की तरफ से भी, वर्टिकल भी, परपेंडिकुलर भी, पांच प्लान्स जो है हमने बनाए हैं, जिसमें से आप देख रहे हैं दो प्लान्स के एग्जीक्यूशन का काम साइट पर एक्सेस देने के लिए ऑलरेडी शुरू हो चुका है। प्रयास यही रहेगा कि समय लूज करने से पहले हम लोग जो मदद जल्दी पहुंचा सकते हैं वो पहुंचा दें। और उस पर्पज़ के लिए मुझे लगता है कि जिन जिन एजेंसीज को हमने काम दिया है, ONGC, RVNL, सतलज जल विकास निगम लिमिटेड, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट की PWD, NHAI DCL तो है ही, उनके साथ मिलकर के हम अलग अलग दायित्व निभाएं और अलग अलग जगह से इस काम को पूरा करने की कोशिश करें। सर, जो तरीके आप बता रहे हैं, ये प्लान किस तरह से है, वर्टिकल है, जो ऑलरेडी चल रहा है, कैसे होंगे? किस नहीं, वही मैंने कहा ना आपसे कि पांच में एक तो यही है कि एक सिल्कियारा एंड से है, एक बरकोट एंड से है, तो ये दो हो गए जो टनल के एक एंड से दूसरी एंड की तरफ जाने के लिए जो रास्ता है उसमें हम कैसे एक्सेस बढ़ा सकते हैं। फिर तीसरा है वर्टिकल, और चौथे और पांचवें जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं, जो एक साइड से एक्सेस दे करके जाने की हमको सहूलियत देते हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर देख करके आप लोगों को आकलन हो चुका है कि जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो चुका था उस कंस्ट्रक्शन में बहुत अधिक स्टील छत में इस्तेमाल होने की वजह से बहुत खुले जगह हमको नहीं मिलेगी जहाँ पर हम चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो ड्रिलिंग करके अंदर जा सकें, क्योंकि कोई भी मशीन स्टील से टकराने के बाद काम नहीं कर पाएगी। तो वही जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने मिल करके हमें बताया कि हाँ, इस सारे एरिया में कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमें एक लीवे मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा जहाँ पर हम स्टील इनकाउंटर नहीं करेंगे। अरे, कौन सा ऑप्शन है, ABCD ऑप्शन है, बताइए कौन से ऑप्शंस पे काम हो रहा है। वर्टिकल वाले का जो आप काम जो सबसे ज्यादा हमको इस वक्त दिख रहा है, कवायद जो दिख रही है, उसके लिए हॉलैंड से कोई आपने मशीन मंगाई है क्या, और कितना घंटा लगेगा? देखिए, इन बारीकियों में बजाय जाने के हम सबको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम, क्योंकि अब किसी भी देश से किसी भी जगह से हम इंस्ट्रूमेंट मंगाएंगे, इक्विपमेंट मंगाएंगे, उसके लाने का एक समय है ना, वो समय हम सबसे कम रखना चाहते हैं। तो इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं आपको छोटे में जवाब दे रहा हूँ। मेरा उद्देश्य आपको नहीं बताना नहीं है, मेरा दिमाग इस समय ये चल रहा है कि हाँ, मैं उनको ये कह दूँ कि भाई आपका इक्विपमेंट वहाँ से आना है, आप कितनी जल्दी लाने के लिए क्या कर रहे हैं मुझे बताइए, आगे मैं उसको, अगर आप कह रहे हैं 24 घंटे हैं तो मैं क्या 20 घंटे कर सकता हूँ, मेरा दिमाग वहाँ चल रहा है। इसलिए मैं आपसे विस्तार से वो पांच प्लान अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। कल सुबह आपसे फिर मिलूँगा, तब आपको मैं और खुलासा बता सकूंगा कि हम कहाँ पहुँचे। ड्रिलिंग हो रही है, इज देयर एनी प्लान टू कीप द स्ट्रेंथ इंटैक्ट कि कहीं और से ऐसे दोबारा डेबरी ना गिर जाए? डेफिनेटली, यू कैन गो एंड सी, इट इज बीइंग डन, इट हैज ऑलरेडी बीन डन, एंड एफर्ट्स आर ऑन टू बोल्स्टर द इंटायर एरियाज स्ट्रेंथ टू द ऑर्डर दैट इट रिमेन्स टोटली सेफ फॉर वर्कर्स टू अप्रोच फॉर द रेस्क्यू वर्क दैट वी आर इंटेंडिंग टू डू। सर, अमेरिकन ऑगर से ड्रिलिंग हो रही थी, सर ड्रिलिंग हो रही थी, एक सेकंड सर, ड्रिलिंग हो रही थी व्हिच वाज स्टॉप्ड फॉर अ लॉट ऑफ अस, हैज द ड्रिलिंग स्टार्टेड येट अगेन, एंड इफ इट हैज स्टार्टेड, हाउ मच हैज बीन डग एट दिस पॉइंट? सर, लास्ट अपडेट वी गॉट वाज यस्टरडे 22 मीटर्स। देखिए, अभी तो ड्रिलिंग नहीं चल रही है, क्योंकि जैसा मैंने आपसे अभी कहा, एरिया को मजबूत करने की पहले जरूरत है,
उसके बाद ही उसमें फिर काम किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि रेस्क्यू करते हुए हम रेस्क्यूअर्स की जान को जियोपार्टाइज कर दें। सो दैट मींस ड्रिलिंग हैज बीन स्टार्टेड। नाम लिया आपने शायद ध्यान नहीं दिया, ONGC, RVNL, NHIDCL, BRO, PWD, THDC, NHDC, NHPC, जो भी भारत की एजेंसी किसी भी काम को जल्दी और सक्षमता से करने के लिए तत्पर है, आप वायदा रखें वो यहाँ पर आकर के वो काम करेंगे।